आज़ुबिल्लमिनशौन बसमीम वद नादाना नूहन फ़लनमुजीबून वन जीनाल करबिल़ीम वजाअनाज्रीत हूँबाक़िन व तरकना आलिफ़िल आख़रीन سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أَيْفْكَنْ آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِّبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَالِحِينَ वबारकना आलि वाल जर्रियत हिमाम महसिनु व वालमल नफस ही मुबीन सदक अल्लाजीम ये सूरत साफ़ात का रुकू है पीछे तस्करा था कि अल्लाह के जो मुखलिस बंदे हैं वो शैतान के असर में नहीं आते वो मो सितम के इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनते उनके लिए जो वहाँ अल्लाह ने तमाम तैयार कर रखे हैं वह हमेशा हमेशा की जन्नत और इनामत इलाहिया हैं ऐसी जमात जो सफ़ बंद होकर दुश्मन का मुकाबला करती है उन्हें डांटती है और डपटती है और अल्लाह के अहकाम को दुनिया में नाफज़ करने के लिए जद जोदर कोशिश करती है उस जमात में सबसे पहले हज़रत नौ का तस्करा है इस रकू में हज़रत नूसम इब्राहीम और इसहाकाम इनबियाँ का तस्करा है वालद नादाना नो हन नाम ने हमें पुकारा वाल नादाना नो हन नामें पुकारा फ़ला नमुजीबू और हम बहुत ही अच्छी तरह अपने पुकारने वालों को जवाब देते हैं नैमुजीब तफसलत नूसम के वाक़े की आगे सूरत नूह में आ रही हैं हज़रत नूसलाम ने साढ़े नौ सौ साल दावत दी इंसानियत को सीधे रास्ते पर लाने की दाऊत कौमी ललम رات रात दिन मैंने अपनी कौम को दावत दी लेकिन कौम ने कबूल नहीं किया मेरी हर पुकार का जवाब तकब्बर और गुरूर से दिया तो फिर नू आमाम ने अल्लाह को पुकारा सुरत-ul-क़मर में और दूसरी जगह पर भी तस्करा है कि नू आलामाम ने जो अल्लाह को पुकारा उसके अल्फ़ाज़ अल्लाह ने नक़ल किए हैं कि रबी इन्नी मगलूबर अल्लाह मैं अब मगलूब हो गया हूँ मेरे लिए इनका मुकाबला करना मुश्किल हो चुका है लिहाजा तो मेरी मदद कर तो अल्लाह से मदद मांगी नू आम ने तो अल्लाह पाक कहते हैं हमने बहुत अच्छे तरीके से उनकी मदद की उनको जवाब दिया वन हु मिनल अज़ीम, हमने उन्हें और उनके घर वालों को उन पर ईमान लाने वाले जितने भी हैं बीवी बच्चे उनको हमने बहुत बड़ी घबराहट से करब बड़ी तकलीफ़ से हमने निजात दी जब सैलाब आया आसमान से बारिश बरसी और तंदूर से पानी फूटकर ज़मीन में पानी पानी हो गया तो ऐसी घबराहट के आलम में हमने उन्हें निजात दी कश्ती बनाई उन्होंने तमाम मुसलमान और जो उनके साथ सत्तर अस्सी आदमी उन्हें और जानवरों को उन्होंने वहाँ महफूज़ किया तो बहुत बड़ी मुसीबत से हमने उनके लोगों को नजात दी वो बेटा नूसम की बात जिसने नहीं मानी उसको सज़ा भी मिली इसका तफसी तस्करा पीछे अम्बिया के वाक़ में हो चुका है यहाँ इस सूरत में अख्तसार के साथ सफ़ बनाकर दुश्मन का मुकाबला करने वाले लोगों में सबसे पहले आदम षानी नाम का तस्करा है वजालना जर्रियत हुमिन हज़रत नाम की औलाद ही को हमने दुनिया में बाकी रखा बाक़ी सब नस्लें तबाह बर्बाद कर दी गई क्योंकि वो कुफर पर थी और ऐसी हालत में थी जिनके बारे में नूह ने कहा था कि लम यलिदुल्ला फाजिलन कफ़ारा कि उनसे आगे जो नस्ल भी चलेगी वो भी फ़ास्क व फाजिर और काफिर होगी इसीलिए इस बात पर अक्सर मुफसरन का और महक्कीन का इतफ़ाक़ है कि इस वक्त जितनी दुनिया क्र अरज़ पर आबाद है वो नू अलैहिस्सलाम के तीन बेटों की औलाद है शाम हाम याफिस उनके औलाद में ही ये सब इंसानियत इसी को अल्लाह पाक ने कहा है कि नू अलैहिस्सलाम ही की औलाद को हमने दुनिया में बाकी रखा है हम दोबारा लाए हैं हालांकि ज़रूरीत हो इसमें ज़ाहिर प्यारा आ चुका है उसकी तरफ़ ज़मीर लाए हैं ताक़द के लिए कि सिर्फ़ वही नौ ही की औलाद हमने इस क्र अरज पर बाकी रखी है वह तरकना फ़िल आखिरन और हमने उनको बाद वालों के लिए जी पिछले लोगों में उनके अंदर ये बात छोड़ दी कि सलाम नोलमीन के समाम लोग नौ सलाम के ऊपर सलामती का ऐलान करते हैं दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं जो नौ सलाम की इज़्ज़त न करती हो उनके लिए सलामती की दुआ ना करती हो सलाम का लफ्ज़ ना कहती हो खा वो किसी भी मज़हब के लोग हों क्योंकि जब औलाद नूह की है तो कोई ना कोई किसी ना किसी अंदाज में नूह को ज़रूर मानता है इन्ना कज़ाली का नज़िल महसिन जो लोग सिफत एहसान के हामिल हैं नेकी करने वाले हैं यानी कल्ब उनका अल्लाह की तरफ मौजूद है कि अल्लाह को वो खुद देख रहे होते हैं या अल्लाह उन्हें देख रहा है इसका एहसास उन्हें होता है एक तो कल्ब का सिफत एहसान है और एक इंसानियत की तरक्की और फ़लाह बहबूद के लिए जी ईसार जिसे कुरान हकीम ने कहा है इलामिलादलहसानी तो यहाँ अदल अदल के बाद अगला मरहला ईसार का है दूसरों के ऊपर ऊपर तरजीह देना जैसे कुरान हकीम ने सहाबा के बारे में कहा कि यो सरफुसिम वलकान बिहम खसासा खुद ज़रूरत भी हो तो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं ये सफत एहसान ये वो है जिसका ताल्लुक इंसानी खदमत या इरतफ़ाक़ात के साथ तो जो भी महसिन इन दोनों दायरों में है खुदा प्रस्ती और इंसानियत दोस्ती के हवाले से हम उसको ऐसा ही बदला देते हैं कि दुनिया में उसका नाम रोशन होता है और इंसानियत उसका अहतराम करती है बेशक नाम हमारे ईमानदार बंदों में से थे मिन इबादिनमुमिन बाकी जो उनके मुखालफी थे जिन्होंने म्म किया कुफ़र किया तो एक तो हशर के मैदान में तमाम ालिम जमा होंगे दुनिया में भी हमने उन्हें गरक कर दिया सरकन आख़रीन उसके बाद हज़रत इब्राहीम का तस्करा शुरू करते हैं व इनशिया लाब्राहीम नौ ही की जमात में से उन्हीं के रास्ते पर चलने वालों में इब्राहीम थे जिस तरीके से नौम ने बड़ी जद्दजहद और कोशिश की है ऐसे ही बाद में इब्राहीम ने जो इमाम इंसानियत हैं इंसानियत की रहनमाई के लिए क़ानून जबते और तरीक़ार वज़ा करने वाले हैं वो भी दरअसल उन्हीं की जमात का हिस्सा हैं शी कहते हैं जमात को तो हज़रत नाम के शिया यानी उनकी जमात के अफरा तो ये तमाम अम्बिया इब्राहीम औलाद भी हजरत नो की और तमाम अम्बिया उनके बारे में अल्लाह ने कहा है उम्म कुम उम्मत वाहिदा ये सब अम्बिया एक ही उम्मत हैं एक ही जमात हैं तो एक ही सिलसिले के लोग हैं तो उसी सिलसिले के बड़े जाम सफ़ात बुज़र्ग हज़रत इब्राहीम आसलम हैं इब्राहीम की क्या नोयत है उसको कुरानी हकीम ने बयान किया इस बहु बेक़ल बिन सलीम जब वो अपने रब के पास हाज़िर हुए साफ़ सुथरा दिल लेकर हालांकि उनका बाप काफिर और वो रियासत का हुक्मरान सब ओ कुफर चारों तरफ पूरी सोसाइटी में बुतप्रस्ती है म है ज़्यादती है लेकिन उस पूरे माहौल के अंदर इब्राहीम पैदा होते हैं तो वो साफ सुथरा दिल लेकर सलीमुल फितरत सलीमुल इज़ाला अबी ही व कौम ही माजा ताबदून इस दिल की सफ़ाई और अल्लाह के साथ ताल्लुक का नतीजा ये था कि उन्होंने बावजूद इस बात के कि उनके वालिद बड़े सख्त गुस्से वाले थे उन्होंने कहा इसल अभी ही अपने वालिद से कहा और अपनी कौम से कहा कि ज़रा सोचो माजा ताबुदून किन पत्थरों की बुतों की तुम पूजा करते हो ये जो तुमने बुत सजा रखे हैं खुद अपने हाथ से तुमने तराशे हुए हैं और अपने तराशीदा बुतों के सामने सजदा रेज होते हो माजा ताबुदून आइफ कन आलता दून अल्ला ही तुरीदून अल्लाह को छोड़ कर तुमने ये खुदा घड़ लिए हैं तुम्हारे हाथों के घड़े हुए हैं और फिर इनके पीछे अपनी सारी इरादत और अकीदत तुमने इख्तियार की हुई है इरादत और अक़ीदत तो उस खुदा से होने चाहिए जो इस कायन को पैदा करने वाला तुम्हें पैदा करने वाला तुम्हारे तुम पर इनामत नाजिल करने वाला है तुम्हारी इरादत और अक़ीदत जो है तुम्हारे इरादों का मरकज़ ये बेजान मूर्तियां हैं पत्थर हैं फमाजन्नुकुम बब्बल आलमीन तुमने अब रब्बल आलमीन के बारे में क्या गुमान कर रखा है तुम्हारे रब्बुल आलमीन के बारे में क्या है जो तमाम जहानों का पालने वाला है तुम्हारी जरूरियात पूरी करता है इंसानियत को पैदा करने से लेकर उसके इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करने तक के तमाम काम जो रब करता है उसके बारे में तुम्हारे ख्यालात फ़रसुदा क्यों हैं क्यों उसको तुम नहीं मानते तो सबसे पहली बात तो ज़बान से सच्चा हक हाँ जी बाप के खिलाफ भी अपनी कौम के खिलाफ भी हज़रत इब्राहीम ने किया अब नौजवान एक आदमी हो और गर्दोपेश पूरा माहौल मुखालफ हो हती कि अपने ख़ानदान और अपने बाप की हुक्मरानी हो और वहाँ अकेला नौजवान जी वो उन्हें ललकार रहा और उनके भी बुनियादी फ़िक्र व अमल को ललकार रहा है कि जिन जिस पुरस, बुत परस्ती में वो मुबतला है उसके बारे में अकली सवाल पैदा करके उनको सोचने पर मजबूर कर रहा है क़रन ने पीछे सूरत अंबिया में तस्करा आया था कि वो एक नौजवान हैं युकलू इब्राहीम जी उसे इब्राहीम कहते हैं उस नौजवान ने ये सारी गड़बड़ की है चुनाचे एक उनका कोई मेला ठेला था जिसमें वो बाहर जाकर कर दरियाओं पर कोई हाँ जी नाचते गाते थे कोई ईद का दिन था अब सब लोग हाँ जी वहाँ जा रहे थे तो इब्राहीम आसमाम ने उनसे कहा कि मैं तो बीमार हूँ भाई मैं नहीं जा सकता और उसके लिए जो तरीक़ार अख्तियार किया वो ये कि नज़ारा नजरा तन फिन नजूम ये लोग नजूम को मानते थे रात का वक्त था तो उन्होंने अपने ख़ानदान वालों से तमाम लोगों से कहा सितारों की तरफ़ देखकर सितारों की तरफ़ देखा और देखने के बाद कहा फ़कअला इन्नी सकीम उनके यहाँ चूँकि सितारा परस्ती बहुत ज़्यादा थी तो उनको चक्कर देने के लिए कि सितारों की चालें बतला रही हैं कि मुझे क्या है बीमारी लाक होने वाली है मैं बीमार हूँ अब ये एक किस्म का तौरिया किया उन्होंने जी कि जो सूरत हाल वहाँ बन रही थी तो वो असल में उनके उन इबारत ख़ाने में मौजूद बुतों को और पत्थरों को तोड़ना चाहते थे इसलिए कहा कि ये सारे के सारे मेले ठेले पे गए हुए होंगे तो पीछे आराम से उसका सफ़ाया करना है तो उनके नुक़ः नज़र से जो बात है वो कही फ़काल इन्नी सकीम कि मैं तो बीमार हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मेले ठेले में नहीं जा सकता सुबह को चुनाचे फ़तवल मदबरीन वो लोग हज़रत इब्राहीम को पीछे छोड़कर बाकी सारे घर वाले ख़ानदान सब उस मेले ठेले में बाहर चले गए अब जब उन्होंने देखा कि अब इस वक्त कोई यहाँ नहीं है तो फ़राग अला आलहती तो उन्होंने उनके खुदाओं की तरफ अकेले जाकर घुस गए फरागत हासिल की और वहाँ जाकर क्या है जी दाखिल हो गए फ़ोला और उन्होंने कहा अलाता क्लून वो जो बुत बड़े बड़े खड़े हुए थे उनसे कहा अलाता क़लू ये तुम्हारे सामने हाँ जी आज तुम्हारा ईद का दिन है तुम्हारे लिए बड़े चढ़ावे शढ़ावे मिठाइयाँ शिठाइयाँ खाने पीने की चीज़ें तुम्हारे सामने रखी हुई है, हैं तुम क्यों नहीं खाते मालाक ला तन क्यों नहीं तुम बोलते ये सामने इतने खाने अनवाकसाम के पका कर तुम्हारे पर चढ़ावे चढ़ाए गए हैं तुम इन्हें खाते भी नहीं और बोलते भी नहीं और फिर हज़रत इब्राहीम ने हथौड़ा लिया हुआ था और वो उन पूरे बुतों पे दाखिल हुए और जी जरबम यमीन दाएँ हाथ से आदमी आम तौर तो पर दाएँ हाथ से चलाता है तो दाएं हाथ से हथौड़ा चला चला कर सारे बुत गिरा दिए और जो उनसे सबसे बड़ा था बुत वो हथौड़ा जाकर उसके कंधे पर रख दिया इसकी तफसी पीछे सूरत अम्बिया में बैन हो चुकी हैं यहाँ क़ुरान हकीम ने अख्तसार से काम लिया है फाकबाल ही यज़फ़ून अब जब शाम को वापस आए उनमें से कुछ लोग और वो ख़ास तौर पर जो पुजारी था उसने आकर देखा कि बुत तो सारे टूटे हुए तो सब के सब घबराए हुए हाँ जी हज़रत इब्राहीम अल्लाम पर चढ़ दौड़े भागे चले आ रहे हैं उनके और आकर कहा कि पीछे तो तुम ही थे तुमने क्या है ये बुत तो तोड़े जब सारा मजमा जमा हो गया चूँकि पूरे शहर के अंदर शोर मच गया कि जो हमारे खुदा थे वो किसी ने तोड़ दिए तो जिन खुदाओं को ये खुद नहीं बचा सकते उन खुदाओं को ये पूजते हैं अब जब सारा मजमा जमा हो गया तो इब्राहीम ने एक तकरीर की कौला अताबून माता क्या तुम उन पत्थरों के बुतों की इबादत करते हो जो तुम अपने हाथ से ही तराशते हो तुमने अपने हाथ से मूर्ति बनाई पहाड़ों में से पत्थर को तराशा और लाकर यहाँ खड़ा किया और उसकी पूजा करते हो उसकी गुलामी करते हो तुम और वल्लु खाल काम वमाता मलून अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया और जो कुछ तुम अमल करते हो तुम्हारे अंदर तुम्हारे जिसम में ताक़त और कु्वत पैदा की सारा दिन मेहनत मशक्कत करके कमाते हो जो अमल भी कर रहे हो हाँ जी तो यो वो, ये तमाम चीज़ें ज़रा सोचो तो सही ग़ौर वफ़िक करो अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है और बजाय इसके कि तुम उसको मानते तो जिसको तुमने खुद घड़ा हुआ है उसको तुमने खुदा बना लिया तुम्हारा ये बुत परस्ती का अमल करने की जो इस्तात और ताकत है ये सलाहियत भी तो तुम्हारे अंदर अल्लाह ने रखी कि हाथ में ये हुनर दिया कि तुम पत्थर तराश सकते हो तो जिस खुदा ने यह सारा काम किया उसको तो मानते नहीं और इन पत्थरों के बुतों को क्या है तुम मानते हो यहाँ भी वो जो तफसीली गुफ्तु है वो पीछे सूरत बनी इसराइल में गुजर चुकी है कि मजमा आम के सामने उन्होंने बुनियादी सवालात उठाए तो सब गर्दन झुकाए दिल में ही कहने लगे कि ये तो बोलते नहीं हैं ये तो खाते नहीं हैं तो इब्राहिम ने कहा जो न बोलते हैं न खाते हैं न किसी बात का जवाब देते हैं न तुम्हें नफ़ा नुकसान के मालिक हैं उनकी पूजा तुम कैसे करते हो अब जब हाँ जी अलैहिस्सलाम के सवालात का कोई जवाब नहीं था तो जब किसी के पास कोई दलील नहीं होती तो फिर गु़स्से और इश्तियाल में आकर पुरतद अमल इख्तियार करता है कहने लगे इसके लिए एक बड़ी इमारत बनाओ इब्राहीम के लिए कलुबनहुबिनियान फ़ालकूह फिलजहीम और उसमें एक बहुत बड़ी भड़कती हुई आग बनाओ आग जलाओ और उस इमारत के अंदर इसको उठाकर फेंक दो

उस मिंजनीक के अंदर इब्राहिम इब्राहीम को बिठाया और उसको घुमाकर जैसे गोला फेंका जाता है ऐसे इब्राहिम इब्राहीम को उठाकर उस आग में फेंक दिया ख़ुद तो चूँकि इसलिए महफूज़ हैं कि चारों तरफ क्या है बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की हुई हैं इमारत है। तो उसके अंदर से आग आसमान को बातें कर रही है तो वहाँ से उठा कर क्योंकि जो फेंकने भी जाएगा तो उसके लिए भी मसला था तो उन्होंने तरीक़ा इख्तियार किया कि मिंजनीक में बिठाओ उठाकर इब्राहिम इब्राहीम को वहाँ फेंक दिया तो क़ुरान हकीम ने कहा कि मकर तो उन्होंने बहुत बड़ा किया था क़ैद और चक्कर और फरेब तो दाव तो बड़ा चला था लेकिन फ़जालासफली हमने उन्हें जलील और रस्वा कर दिया हमने उन्हें नीचा दिखाया और इब्राहीम पर वो आग ठंडी हो गई इसकी तफसीत भी वहीं सूरत लम्बिया में है कि इब्राहीम को हमने उस आग से हमने आग को हुक्म दिया कि तुम ठंडी हो जाओ इब्राहीम पर या नारुकूनी बरदम वसलामन अला इब्राहीम तो इब्राहीम को हमने महफूज कर लिया बचा लिया लेकिन इसके बावजूद भी इब्राहिम की बात मानने से ये लोग इनकार कर रहे हैं तरह तरह से अज़ियतें दे रहे हैं तो इब्राहीम आसलम ने अपने ख़ानदान वालों से और सब से कहा कि मैं तो अपने रब की इबादत के लिए तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ ओला इन्नी ज़ाहिबन रब्बी मैं तो यहाँ से हिजरत करके दूसरी जगह पर महाजरन का लफ्ज़ आया है जी दूसरी आयत में यहाँ ज़ाहिबनला रब्बी तो मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ सयाह दिन अल्लाह मुझे रास्ता दिखाएगा इससे दुनिया में भी जो सफ़र कर रहा हूँ तो वो रास्ता मुझे बतलाएगा कि मुझे कहाँ जाना है तो जहाँ अल्लाह ले गया मैं वहाँ चला जाऊँगा और आखिरत का और इलमी हदायत भी है यहाँ से निकलकर इंसानियत की तरक्की और फ़लाह बहबूद का कोई रास्ता और पैगाम जो है मेरे सामने आ जाए अब जब इब्राहीम आहाँ से निकले हैं इराक़ से उर् से तो फिर शाम होते हुए फ़लस्तीन जाना है तो वहाँ दुआ मांगी हज़रत इब्राहीम आलाम ने अल्लाह से रबी हवली मिन ए परवरदगार मुझे औलाद अता फरमा जो बहुत ही साले और नेक हो नेक बेटा अता फरमा अब बाप बात नहीं मान रहा उसे छोड़कर ख़ानदान को छोड़कर बिरादरी को छोड़कर कर हकूमत पर लात मार के क्योंकि तो बेटा है तो ज़ाहिर बाप के बाद उसी ने हुक्मरान बनना था तो अपनी उस हुकूमत को भी क्या है छोड़ कर इब्राहिम आसमाम वहाँ से हिजरत करके फ़लस्तानी पहुँच गए तो अल्लाह से दुआ की कि मुझे एक नेक साल औलाद अता फ़र्मा फब शर्नाबे ग़ुलाम हलीम हमने उन्हें खुशखबरी दी कि तुम्हें एक लड़का पैदा होगा जो इंतेहाई हलीम और बुरदबार होगा सब्र करने वाला होगा तो ये हलीम और बुरदबार जिसको कुर्बानी की क़ुरबान पर चढ़ाने का मामला आया इतना हाँ जी मुश्किल इम्तहान उनसे लिया गया उसमें वो पूरे बुरदबारी से सब्र इस्तामत से डटे रहे हज़रत इस इस्माहीसलाम इसहाक़ा से कोई चौदह साल पहले पैदा हुए हज़रत हाजरा जो रास्ते में उस हुक्मरान से हाँ जी उन्होंने दी थी हज़रत सारा को तो उन से इब्राहीम के ये बेटे पैदा हुए इसमाही तफसी क़स्सा हाँ जी बुखारी वगैरह में है कि इनको फिर लेकर वहाँ हरम में खाना क़बा में जमज़म का कुआँ जहाँ निकला वहाँ इनको छोड़े क़ुरान हकीम चूँकि तफसी बयान नहीं करता इसलिए कहा फलम्मा बाला का माह जब वो इसमा दौड़ने के काबिल हो गए अपने बाप के साथ ऐसा बच्चा जो साथ, साथ दौड़ता है छोटे छोटे काम काज करता है तो ऐसी हालत में जो अल्लाह से मांगा था बेटा जब कुछ दौड़ने के काबिल हुआ तो इब्राहीम को वो ख्वाब आता है जी तीन दिन मुसलसल ख़्वाब यौमुतरविया यौम आरफा जी और यौम तो तीन रातें हैं जिन में सलाम को तीन दफ़ा ख़्वाब आया तरविया रात को क्या है ख्वाब के अंदर किसी चीज़ का मुशाहिदा करा देना फिर आरफा को दूसरी दफ़ा पहले समझे कि शायद ये कोई शैतानी ख़्वाब है दूसरे दिन हाँ जी फिर अरफा के मैदान में अरफा जो है जी नौवीं को आपको दोबारा ख्वाब दिखाया गया फिर यही समझे कि पता नहीं कैसा ख़वाब है तो तीसरे दिन रात को क्या है फिर नहर की जो रात है सुबह दस धीहज की उस ख़्वाब में फिर बा होते हुए दिखाया गया तो इन तीन रातों के ख़्वाब के बाद उन्होंने हज़रत इस्माईल सलाम अपने बेटे से कहा या बुनैया ए मेरे बेटे इन्नी अलाफ इमनावी मैंने ख़्वाब में ये बात देखी है कि अन्य अजवाहू का कि मैं तुझे व़ि कर रहा हूँ नबी का ख्वाब भी सच्चा होता है अल्लाह की तरफ़ से ये हाँ जी मुझे ख्वाब दिखाया गया है तो फ़नज़ुर माजा तरा तू बतला कि तेरी क्या राय है तो क्या सोचता है कि तुझे विबा किया जाए इसमाईल आसमाम की राय मालूम कर रहे हैं एक तो इसलिए भी कि अगर तो ये ख़ुद रज़ामंद हो गया तो ठीक है लेकिन जब अल्लाह का हुक्म है ज़िबा करने का तो ज़बरदस्ती करनी पड़ी तो ज़बरदस्ती करूँगा तो राय मालूम की मुशावरत की कि भाई तुम बताओ कि तुम्हें ज़िबा किया जाए ख्वाब हाँ ये देखा है कौला ने कहा या अबा तफ़ाल मात उमर अय अबा जान आपको जो हुक्म दिया गया है आप कर गुजरी सताजिदुनी इन श्ला मिनस साबीरी आप मुझे पाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा इनशा भी साथ कहा मिनस साबीरी सब्र इस्तामत वाला मैं ये बर्दाश्त करूँगा तो हलीम बुरदबार होने की सबसे पहली हालत इसमाइल के बारे में सब्र के हवाले से वही आदमी सब्र कर सकता है जो ठंडे मिजाज का हो हलीम हो बुर हो वरना तो अंगेज़ी में आने वाला आदमी जज्बा थी तो वो तो क्या है एकदम भड़क उठता है तो हज़रत इस्माइल ने सबर और इस्ताम का मुजाहिरा किया और फिर अपने बाप से कहा इब्राहिम से कि देखो जब तुम बा करने लगो तो मुझे उल्टा लटा लेना मेरा सर जो है नीचे हाँ जी ज़मीन की तरफ हो कहीं बाटे का चेहरा देख कर बाप को रहम ना आ जाए छुरी फेरते वक्त जी तो इसलिए फलमा असलमा जब दोनों फर्माबरदार हो गए दोनों दिल से मुकम्मल तौर पर आमादा हो गए कि अब क्या है ज़रूर ब करना है और वतलहु लिल जबीन और बेटे को उठाकर जैसे बकरे को ़िबा किया जाता है नीचे लिटा कर, माथा जो है वो ज़मीन पे जबीन को जबीन ये माथा इसको ज़मीन में उल्टा लटा लिया और छुरी दाएं हाथ में पकड़ कर गर्दन जिबा करने के लिए क्या है बिल्कुल तैयार हो गए छुरी जब गर्दन के करीब पहुंची है तो उस वक़्त कुरान हकीम कहता है अल्लाह पाक ने कहा ना दई ना हो या इब्राहीम हमने इब्राहीम सलाम को पुकारा कि ए इब्राहिम अद सदक रो या तूने ख़्वाब सच्चा कर दिखाया जो तूने देखा था वो तूने अमल करके दिखा दिया बिल्कुल इसी तरह गर्दन तक छुरी पहुंच चुकी है ज़िबा करने लगे थे कि अल्लाह की तरफ से ये पुकार आई इन्ना कजाल का नज़िल महसिन हम ऐसे ही क्या है महसिन को बदला देते हैं हमने तुम्हारे दोनों के दिलों का इम्तिहान लेना था वो हमने इम्तहान ले लिया और इम्तहान में तुम दोनों कामयाब हो बेटे ने खुले दिल के साथ अपनी जान कुर्बान करने का हुक्म दे दिया और इब्राहीम ने अपने लखत जिगर को जिस सलाह से मांगा था बड़ी तमन्नाओं और आर्जुओं से कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन उसको जिबा करने के लिए तैयार हो गए कि जब अल्लाह का हुक्म है तो फिर जो मिजाज यार में आए जो अल्लाह ताला हुक्म दे वही क्या है करना है तो वो बिल्कुल जो कल्ब की तमाम हालतें थीं वो दुरुस्त हो गई इब्राहीम को कुल इंसानियत का इमाम बनाना था और इब्राहीम के बाद इसमाइल और इसहाक़ को उस इंसानियत की तरक्की का कामिल और मुकम्मल नमूना और मैार बनना था अब ये इम्तहान बहुत बड़ा और वह बड़ा भी दिल का इम्तहान के दिल में गैरुल्ला की हर ख़्वाहिशा कि अपना नफ्स और अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हो तो ये जब तक नहीं होगी उस वक़्त तक इंसानियत की इमामत की ज़िम्मेदारियाँ नहीं संभाली जा सकती जिसके दिल में महज पदरी मोहब्बत और शफकत या अपनी औलाद की मोहब्बत और शफकत और बाकी दुनिया की मोहब्बतें अल्लाह के मुकाबले पर आ जाएँ तो वह इंसानियत का इमाम कैसे बनेगा तो वो तो मेरठ पर कोई काम कर ही नहीं सकता वो तो कहीं ना कहीं ज़रूर हाँ जी औलाद की मोहब्बत में रिश्तों की मोहब्बत में कहीं ना कहीं डंडी मारेगा तो उसका मैलान किसी भी सूरत के अंदर अगर मौजूद है किसी हैवानी या किसी इंसानी जज्बे के तहत तो वो असल में इंसानियत का इमाम नहीं बन सकता इंसानियत की रहनुमाई के लिए तो वो हो जो अपने आप को तमाम लोगों में किसी भी किस्म की तबकाती नफ्सियाती या पदरी या औलाद की हैसियत से जो मोहब्बत है उससे बाला तर होकर सिर्फ और सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म की पासदारी और उसके सिस्टम को गालिब करने के लिए किरदार अदा करें तो ये इम्तहान लेना था वो हमने ले लिया इन्हाजा लहूलबलामुबीन बेशक ये बहुत बड़ी आजमाइश थी बड़ी वाजे भी थी और बहुत बड़ी आजमाइश भी थी इम्तहान था यह कोई मामूली बात नहीं है कि बुढ़ापे की हालत में बेटा पैदा हुआ वो भी बड़ी मोहब्बतों से और मांग कर सारी उम्र मुसकते बर्दाश्त की, अब बेटा पैदा हुआ है तो हुक्म है कि इसको ज़िबा कर दो उन्होंने तो कहा ठीक है तूने दिया है तो हम तेरे ही रास्ते में इसे कुर्बान करते हैं हमने ये पुकारा जी या इब्राहीम क़सदख्तर रोया और इन्ना ख़ज़ाल नज़िलमुहसिन इन्नाज़ा लाहूलबलामुबीन तो इसके जवाब में हमने कहा वफ़ीनाहू बी बीम हमने इसमाइल के बदले में एक बहुत बड़ा बीम का सिलसिला शुरू किया एक दुब्बा ला कर दिया कि इसको ़िबा कर दो असल बात क्या है इंसान बा करना मकसूद नहीं है इंसान की हैवानियत िब करना ज़रूरी है इम्तहान ये है कि इंसान बहीमियत और मलकियत का मुरकब है तो जो इंसानियत के लिए रहनुमाई का किरदार अदा करना चाहता है उसे अपनी हैवानियत करनी है इसलिए इब्राहीम की पूरी औलाद को ये हुक्म दिया गया है कि वो हर साल जी अल्लाह के रास्ते में अपनी हैवानियत को करने के लिए अपने पैसों से खालिस रिज़ हलाल से जानवर ख़रीदे और उस जानवर को क्या है बा करते हुए ये नीयत करे कि मेरे दिल में और मेरे जिसम में जो हैवानियत है उसके अंदर जो हसद कीना बोव अदावत इंसान दुश्मनी के रवैये मौजूद हैं उन तमाम अपनी हैवानी ख़्वाहिशात को अपनी जो तबीज ख्वाहिशात हैं मैं इनके ऊपर छुरी फेरता हूँ यह है फ़द्ही नाह बज़बिन अजीम एक बहुत बड़ी अजीम कुर्बानी हमने उनके बदले में दी और फिर उसके बाद से ये सिलसिला जी इब्राहीम की ज़रूरीत के अंदर जारी कर दिया कि वो अपनी हैवानियत को बाह करके अल्लाह से सच्चा ताल्लुक़ पैदा करने और क़ल्ब सलीम बनाने के लिए हर साल जानवर ब करें तो उसकी याद में है बीम के आमद तक चल रहा है व तरखना अन चुनाच इब्राहीम इस इम्तहान में कामयाब हुए तो उनका नाम हमने दुनिया में बाकी तमाम पीछे आने वाले लोगों में ऐसे छोड़ा कि सब लोग सलाम इब्राहिम कहते हैं इब्राहीम सलाम का लफ्ज़ बोलते हैं सलामती का दुआ देते हैं इब्राहिम के लिए कि इंसानियत के लिए उन्होंने जो काम किया क़ुरान हकीम ने यह दूसरी मिसाल देकर कहा कजाल का नज़िल महसिन ऐसे ही हम महसिन के लिए बदला देते हैं इनाम देते हैं इन इबादन बेशक इब्राहीम हमारे ईमानदार बंदों में से थे तो जो शुरू सूरत में कसम उठाई थी हाँ जी सफ़ बांधकर कर काम करने वाले और दुश्मन अपने शैतान और शैतान के ज़ेर असर जो इंसान हाँ जी उन तमाम को डांटने डपटने और उनका मुकाबला करने वाले उनको हक़ का आईना दिखाने वाली जिन जमातों की कसम उठाई थी उनमें से पहली जमात नूसम की उसके बाद दूसरी अहम तरीन उज़म जमात इब्राहीम की जिनका तस्करा किया और उन्हीं की जमात और इज्तमीत का अहम तरीन हिस्सा इसमाइल आलम जिन्होंने क़ुरबान होना कबूल किया अल्लापा कहते हैं व बशरनाब इसहा नबीन इन उसके बाद इस इम्तिहान में कामयाब होने के बाद हमने उनको खुशखबरी सुनाई हज़रत इसहाक़ल की जो नेक वक्तों में नबी भी थे नबी सालिहीन नबीयमिन इसमा के बारे में तो पीछे सूरत मरीम में कहा था सदाद वादे के सच्चे जो वादा किया था कि मुझे विवा करना है तो आप कर दें तो उस पर क़ायम रहे और उसके बाद भी उनका रवैया जी हिल का बुरदबारी का सब्र इस्तेकामत का और इसहाकाम की दो खसूसियतें बयान की हैं एक तो ये कि हमने उन्हें नबूत अदा की और दूसरा ये कि वो सालिहीन में से थे बहुत ही नेक बुजुर्ग थे वबारकना अला इसहाक हमने उन पर बरकत नाजिल की और इसहाक़ पर भी हाँ जी इन दोनों पर बरकत नाजिल की यानी इब्राहीम के लिए भी बरकत दी और सलाम के लिए भी हज़रत शाह अब्दुल्कर दहलवी अलैह ने तर्जुमा करते हुए और हाशिए में जो गुफ्तु यहाँ पर की है तो बारकना अलैहि इब्राहिम का तस्करा तो पीछे आ चुका है उन्होंने ज़मीर लौटाई है पीछे इसमाइल आलाम की तरफ कि दो ही बेटे थे पहले बेटे हाँ जी जिनकी हमने पहले खुशखबरी दी थी ाम हलीम और दूसरे बेटे अलैहि सलाम तो हमने इन दोनों की औलाद को बरकत दी बारकना अलही वाला इसहाक़ व अमीन जर्रियत हिमां दोनों की औलाद आगे चली इसहाक की औलाद में पूरे हाँ जी बनी इसराइल और इस्माईल अलैहिस्सलाम इस के औलाद के अंदर ये मक्का वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि व्लम के आबाजाद तो दोनों की हाँ जी दोनों को हमने बरकत अता की और वमिन ज़ुरियती हिम इन दोनों की जो औलाद है उनमें कुछ मोहसिन भी हैं अच्छे लोग भी पैदा हुए और ालिमल नफस मुबीन और अपने नफ्स पर म करने वाले भी थे बनी इसराइल में भी ऐसा है बनी इस्माइल में भी ऐसा है। आम तौर पर यहाँ मुफसरिन करीब की ज़मीर लौटाते हैं कि बारकना आलै ही की ही ज़मीर इब्राहीम आसमाम की तरफ़ और ज़रूरीत हिमा की ज़मीर भी इब्राहीम और इसहाक़ की तरफ लेकिन हज़रत शाह साहब ने यहाँ इस राय को इख्तियार किया है कि इब्राहीम के तस्करे पर तो पीछे पूरा रकूब में ज़्यादातर हिस्सा इब्राहिम ही के बारे में है यहाँ तो अगली जो नस्ल चलने वाली है औलाद है उसका तस्करा हो रहा है कि हमने इसमाइल पर और इसहाक़ पर इन दोनों पर बरकत नाजिल की और वाम जर्रियात हिमाँ और उनकी औलाद में मोहसिन भी थे सिफत एहसान के हामिल भी थे उनकी औलाद में और नफसी मुबीन और ालिम भी थे जो अपने ऊपर लम करने वाले थे तो इस तरह कुरान हकीम ने इब्राहीम के तसलसल में जो जमातें अल्लाह के दिन को गालिब करने के लिए दुश्मन के मुकाबले में काम करती रही हैं उनका तफसली तारफ़ कराया अगले रकूम हज़रत मूसा सलाम और हारून आल्लाम वग़ैरह अम्बिया का तस्करा है अल्लाह ताली क़ुरानी हकीम को समझने और इस पर अमल करने की तोफ़ी का ताफर अल्लाह अल्ला اجمعين